हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि हम मैरिज करते हैं तो क्या उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है या नहीं, और यदि हम मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2006 को सीमा वर्सेज अश्विनी कुमार के एक जजमेंट में ये क्लियर कर दिया है कि अब इंडिया के अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। दोस्तों, होता यह है कि हमारे यहाँ इंडिया में कस्टम्स को, रिचुअल्स को ज्यादा माना जाता है, और हमारे यहाँ जो विवाह यानी कि मैरिज होती है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस या सिख, किसी भी धर्म से हम बिलोंग करते हैं तो अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग हम अपनी मैरिज कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर टाइम ये भी होता है कि हम मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पे आगे जाकर कई सारी समस्याएं हो जाती हैं, और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ऐसे केस में यदि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी होता है, यदि आप मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और आपको मैरिज सर्टिफिकेट के क्या क्या फायदे मिलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हमारे यहाँ पे कस्टम से मैरिज हो जाती है। मैरिज होने के बाद भी जब तक कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है हमें मैरिज रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं लगती है, और हमें लगता है कि सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास हमारी मैरिज का कोई लीगल प्रूफ नहीं होता है, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई भी ऑथराइज सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं होता है, तो हमें बहुत सारी जगहों पर दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, और जो मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करके आपको मिलता है उसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, और उसके बिना आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब आप अपनी वाइफ का पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो पासपोर्ट बनवाते समय वहां पर आपसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और उसके बिना पासपोर्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। बहुत सिंपल सी बात ले लेते हैं, यदि आपको अपने बैंक में अकाउंट भी खुलवाना है, जॉइंट अकाउंट हस्बैंड और वाइफ का, तो उसके लिए भी बैंक वाले आपसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जॉइंटली, यानी हस्बैंड वाइफ मिल करके कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो वहां पर भी आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके अलावा यदि आप कहीं फॉरेन जा रहे हैं तो वीजा से रिलेटेड भी आपसे मैरिज सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। यदि आप फॉरेन में जा रहे हैं वर्किंग पर्पज से तो वहां पर भी आपसे मैरिज सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। इसके अलावा यदि आपके बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच कल को कोई डिस्प्यूट पनप जाता है, तो वहां पर भी मैरिज सर्टिफिकेट की बहुत जरूरत पड़ती है। कल को यदि आपको चाइल्ड कस्टडी लेनी हुई तो वहां पर भी मैरिज सर्टिफिकेट की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जहां पर मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो बेहतर यही है कि हम जरूरत पड़ने से पहले ही मैरिज सर्टिफिकेट को बनवा लें। दोस्तों, मैरिज सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिना बहुत सारी चीजें आपके रुक जाएंगी और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, इसके लिए जस्ट आपको अपने जिले में मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मैरिज रजिस्ट्रार वहां पर अवेलेबल होते हैं जो कि आपकी मैरिज को रजिस्टर्ड करते हैं और आपको मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। तो हम जान लेते हैं कि यदि आप अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आपको अपना और अपनी वाइफ का आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, और आधार कार्ड ही आपको एड्रेस प्रूफ में भी चल जाएगा, या फिर एड्रेस प्रूफ में आप पासपोर्ट या कोई और डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको दोनों के 3-3 फोटोग्राफ चाहिए होंगे, और 2 विटनेस चाहिए होंगे, और उनके डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास होने चाहिए। अब ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, कुछ स्टेट में 3 विटनेस भी लगते हैं, तो आप जहां से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको विटनेस अरेंज करने होंगे। इसके साथ साथ आपका हस्बैंड वाइफ का एक जॉइंट एफिडेविट भी जाता है। इसके अलावा मैरिज के प्रूफ के लिए आपका जो वेडिंग कार्ड होता है वो भी आपको उसमें अटैच करना पड़ता है। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, और वो आपकी मैरिज को रजिस्टर्ड करके आपको मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर देता है। तो दोस्तों, ये मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपके पास एक ऑथराइज प्रूफ हो जाता है कि आप लीगली पति पत्नी हैं, और इसके बाद यदि आप फॉरेन भी जाते हैं तो वहां पर भी आपकी वो शादी मान्य होती है, जबकि कस्टम्स और रिचुअल से किया गया जो विवाह है, मैरिज है, वो केवल आपके अपने देश इंडिया में ही मान्य होगी, यहाँ से बाहर नहीं। तो इसलिए दोस्तों, बहुत जरूरी है कि किसी भी समस्या के आने से पहले आप अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करा लें और मैरिज सर्टिफिकेट ले लें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई लीगल जानकारी के साथ आपसे मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।